टेस्टोस्टेरोन ज्यादा होगा तो एग्रेसिवनेस क्या होगा, ज्यादा होगा, क्योंकि एग्रेसिवनेस का मेन कॉज क्या है, टेस्टोस्टेरोन या एंड्रोजन। तो जो सांड है या जो बुल है इसमें टेस्टिस होती है और टेस्टिस एंड्रोजन सिक्रीट करता है, टेस्टोस्टेरोन सिक्रीट करता है, इसलिए जो बुल है इसमें एग्रेसिवनेस ज्यादा होती है, गुस्सा ज्यादा होती है। अब सर्जिकली क्या कर दिया जाता है, इसकी टेस्टिस को काट करके निकाल दिया जाता है, टेस्टिस को कट करके रिमूव कर दिया जाता है। और सर्जिकल रिमूवल ऑफ टेस्टिस को हम लोग क्या बोलते हैं, स्पेसिफिकली ऑर्किडेक्टमी, लेकिन जनरल टर्म में इसको हम लोग क्या बोलते हैं, कैस्ट्रेशन। तो बुल में कैस्ट्रेशन कर देंगे तो उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, ऑक्स, जिसको हम लोग बैल बोलते हैं। थोड़ा सा डोसाइल हो जाता है, एग्रेसिवनेस उसका खत्म हो जाएगा, डोसाइल हो जाएगा, और हम लोग इसको काम में लेते हैं, हल जोतने के काम में लेते हैं, इतना बेचारा सीधा हो जाता है। तो बेसिक बात हमें समझ में आ गई होगी कि जो जो कैस्ट्रेशन है, कैस्ट्रेशन जो है वो बुल में किया जाता है और उसको किसमें कन्वर्ट कर दिया जाता है, ऑक्स में, और इससे हम लोग कुछ काम कराने लगते हैं, यानी कि इसको हम लोग एग्रेसिवनेस इसका खत्म कर देते हैं, इसको थोड़ा सा क्या कर देते हैं, डोसाइल बना देते हैं। तो ये कुछ बेसिक बातें थी जो हमें समझ में आ गई। तो एक बार मैं तेजी से इसको रिकैप करा देता हूँ, रिवाइज करा देता हूँ जो आज हमने पढ़ा इस लेक्चर में। मैंने आपको बताया कि मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम पेल्विक रीजन या पेल्विस में या पेल्विक कैविटी में प्रेजेंट होगा। मेल सेक्स ऑर्गन को हम ब्रॉडली दो कैटेगरी में डिवाइड कर सकते हैं। प्राइमरी सेक्स ऑर्गन वो होंगे जो गैमेट बनाएंगे उस सेक्स का और उस सेक्स का हार्मोन प्रोड्यूस करेंगे, यानी ऑर्गन्स दो आर डायरेक्टली इन्वॉल्व्ड इन द प्रोडक्शन ऑफ गैमेट, इन द प्रोसेस ऑफ गैमेट प्रोडक्शन, उनको हम लोग क्या बोलेंगे, प्राइमरी सेक्स ऑर्गन। और इनका दूसरा मेन फंक्शन क्या होगा कि ये उस सेक्स का हार्मोन भी बनाएंगे। और जैसे कि मेल की बात कर रहे हैं तो जो गोनेड है, जो प्राइमरी सेक्स ऑर्गन है, उसको हम लोग बोलेंगे टेस्टिस, इसको हम लोग क्या बोलेंगे, टेस्टिस। एक होगा, अलग दो होगा तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, अगर दो होगा तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, टेस्टिस बोलेंगे। और टेस्टिस के अलावा जो अदर सेक्स ऑर्गन्स हैं जो रिप्रोडक्शन में असिस्ट कर रहे हैं, जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के इवेंट को असिस्ट कर रहे हैं, हेल्प कर रहे हैं, उनको हम लोग बोलेंगे सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन्स। हम डिटेल में पढ़ेंगे इनको, जैसे कि कुछ एसेसरी डक्ट्स हो सकती हैं, कुछ एसेसरी ग्लैंड्स हो सकती हैं, कुछ एसेसरी ग्लैंड्स के साथ साथ एक्सटर्नल जेनिटेलिया जैसे कि मेल कोपलेटरी ऑर्गन पेनिस हो सकता है। तो ये गैमेट प्रोडक्शन के अलावा किसी दूसरे फंक्शन में टेक पार्ट कर रहे होंगे, इसलिए इनको हम लोग क्या बोल रहे हैं, सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन बोल रहे हैं। फिर मैंने आपको बताया कि जो प्राइमरी सेक्स ऑर्गन है इसको हम लोग टेस्टिस बोल रहे हैं। इन मोस्ट ऑफ द मैमल्स टेस्टिस आर एक्स्ट्रा एब्डोमिनल इन इट्स लोकेशन, द मीन इज दैट टेस्टिस इज लोकेटेड आउटसाइड द एब्डोमिनल कैविटी इनटू अ एक्सटेंशन ऑफ एब्डोमिनल कैविटी, जिसको हम लोग क्या बोल रहे हैं, स्क्रोटम बोल रहे हैं। स्क्रोटम में क्यों रखा गया, रीजन भी आपको पता चल गया कि स्क्रोटम में कोर बॉडी टेम्परेचर से 2 से 2.5 डिग्री सेल्सियस कम होता है, जो कि प्राइम रिक्वायरमेंट है इफेक्टिव स्पर्मेटोजेनेसिस के लिए। फिर मैंने आपको बताया कि कैसे हम लोग टेम्परेचर को मेंटेन रखते हैं, थर्मोरेगुलेशन में कौन कौन से स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन हेल्प करते हैं। तो आपको समझ में आया कि डॉटोस मसल प्रेजेंट होगी जस्ट बिनोद द स्किन, यहाँ पे सबक्यूटेनियस डॉटोस मसल होगी जो कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्स करके थर्मोरेगुलेशन को क्या करेगी, कंट्रोल करेगी। और स्वेटिंग होगी, स्वेट ग्लैंड्स प्रेजेंट होगी, एंड स्वेटिंग जो है ये इवेपोरेशन है, इवेपोरेशन जो है वो कूलिंग कॉज करेगा। और मैंने आपको पैम्पनी फॉर्म प्लेक्सस का रोल भी बताया कि ये ब्लड के टेम्परेचर को भी इवन क्या करते हैं, रेगुलेट करते हैं। फिर मैंने आपको बताया कि टेस्टिस जो है वो एब्डोमिनल कैविटी में बनती है, इंट्रा यूटराइन लाइफ ऑफ मेल वे भी बन जाती है ये ऑलमोस्ट एंड ऑफ सेकेंड मंथ ऑफ प्रेगनेंसी या 7 to 8 weeks ऑफ प्रेगनेंसी, और डिसेंट होना शुरू हो जाती है 3rd month ऑफ प्रेगनेंसी, और कंप्लीटली डिसेंट हो जाती है इनटू द स्क्रोटल सैक इन 7th or 8th month ऑफ प्रेगनेंसी। एंड इफ टेस्टिस फेल्स टू डिसेंट, कंडीशन को हम लोग बोलेंगे क्रिप्टोऑर्किडिज्म, इसको हम लोग सर्जिकली करेक्ट करेंगे, सर्जरी को बोलेंगे ऑर्कियोपैक्सी और ऑर्किडोपैक्सी। और मैंने आपको बताया कि इंग्विनल हर्निया क्या होता है। फिर मैंने आपको बताया कि ये जो इंग्विनल कैनाल है जिसके थ्रू टेस्टिस नीचे आ रही है, इस कैनाल को हम लोग क्या बोलेंगे, इंग्विनल कैनाल। और इसके अंदर जो कंटेंट है उसमें 4 main supplies होंगी, उनको हम लोग क्या बोल रहे हैं, स्पर्मेटिक कॉर्ड। और ये जो टेस्टिस है इस पे मीजोर्कियम, मैंने आपको बताया पेरिटोनियम का इनफोल्ड होगा, हम लोग ओवरी के लिए इसी को पढ़ेंगे, उसको हम लोग बोलेंगे मीजोवेरियम। और मैंने आपको बताया कि यहाँ पे फाइबरस कनेक्टिव टिश्यू होगी जिसको हम लोग क्या बोलेंगे, गुबर्नाकुलम। और अगर क्रिकेट की तेज बॉल लगने से गुबर्नाकुलम ब्रेक हो जाता है तो सर्जिकली हम लोग इमरजेंसी में डॉक्टर्स क्या करते हैं,